My precious friend. मेरे बहुमूल्य दोस्तों. Today as we remember the coming of our Lord Jesus Christ. आज जैसे हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में स्मरण करते हैं. This whole month we are going to meditate on the coming of Christ for the first time. और इस पूरे महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर मनन करने वाले हैं. Isaiah 7 and verse 14 declares the prophecy of the coming of our Lord Jesus. यशायाह अध्याय 7 वचन 14 यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में भविष्यवाणी बताता है. Isaiah says, therefore the Lord himself will give you a sign. और यशायाह कहता है किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा. The virgin will conceive. देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी. And give birth to a son. और वो एक पुत्र को जन्म देगी. And will call him Emmanuel. वो इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी. There are three things concerning the sign which God was giving the people. और परमेश्वर लोगों को जो चिन्ह दे रहे थे, संकेत दे रहे थे, उनमें तीन मुख्य बातें बताई गई है. When the Israelites were under bondage in Egypt. जब इसराइली लोग मिस्र में बंधन में थे, गुलामी में थे. God gave them a sign through Moses. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें एक चिन्ह दिया. The plagues that came upon Egypt. जो मरियां मिस्र पर आई थी. Through the hands of Moses and Aaron. मूसा और हारून के हाथों के द्वारा. And those plagues made them to be set free by their oppressors. और उन्हीं मरियों के कारण उन्हें उनके सताने वालों से पूरी तरह से छुटकारा दिया गया. And God brought the people of the descendants of Abraham out and formed them into a nation called Israel. और परमेश्वर ने इसराइल वहां पर अब्राहम के वंश को बाहर निकाला और उनके द्वारा इसराइल देश बनाया. And then again because of the sins of the kings of Judah and Israel. और फिर यहूदा और इसराइल के राजाओं के पापों के कारण. God allowed them to be captured by foreign kings, the Babylonian kings, and made them to be taken as slaves to a foreign land. और परमेश्वर ने उस समय ऐसे अनुमति दी कि बेबीलोन का राजा उन्हें गुलाम बनाए, दूसरे देश के राजा उन्हें गुलाम बनाए और दूसरे देश में बंधवाई में लेकर जाएं. And there when Daniel sought God. और जब वहां पर दानियल ने परमेश्वर को खोजा. He was made a sign by God. तो परमेश्वर के द्वारा उसे एक चिन्ह बनाया गया. Through his wisdom. उसकी बुद्धि के द्वारा. And through his prayers. और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा. God gave favor to the Israelites through the ministry of Daniel to the kings. परमेश्वर ने राजाओं के सामने दानियल की जो सेवकाई थी उसके द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों पर कृपा की. And the ministry of Nehemiah. और नेहमिया की सेवकाई के द्वारा. And the ministry of Ezra. और एज्रा की सेवकाई के द्वारा. And God brought the Israelites who were under bondage in Babylon back to Jerusalem. और जो इसराइली लोग बेबीलोन की बंधवाई में थे उन सभी लोगों को परमेश्वर ने वापस यरूशलेम मिलाया. Each time God performed miracles. और हर समय परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार किए. And gave them a sign. और उन्हें चिन्ह दिया. And brought them back to their land. और उनके देश में उन्हें वापस लेकर आया. But then God said. और फिर परमेश्वर ने कहा. How long are you going to be in bondage? कब तक तुम इस तरह बंधवाई में पड़े रहोगे? Every time because of your sins, you become bonded or you become a slave to the foreign kings. और हर समय तुम्हारे पापों के कारण ही तुम दूसरे देश के राजाओं के गुलाम हो जाते हो. The only way for you to be delivered is to come out of your sin, sinful nature and the curses of sin. और तुम्हें बाहर निकलने के लिए बस एक ही मार्ग है कि तुम अपने पाप, पाप में विचार स्वभाव से और पाप के श्राप से तुम बाहर निकल कर आओ. Then you will never be under bondage to anybody. और तब तुम कभी किसी के कोई बंधन में नहीं रहोगे. Then you will never become slaves to others. और फिर तब तुम किसी दूसरों के गुलाम नहीं रहोगे. Then your family members will not be killed and destroyed by your oppressors. और तब तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे सताने वालों के द्वारा नाश नहीं किए जाएंगे. If only you would be delivered from your sin, the curses of sin will not let you become a slave.
और अगर तुम केवल अपने पापों से और पापों के श्राप से छुटकारा पाओगे तो ये तुम इस तरह से गुलामी में नहीं रहोगे। So I will give you a sign. और इसलिए मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। The third time a sign for your permanent deliverance. और ये तो तीसरी बार है जो तुम्हारे हमेशा के छुटकारे के लिए चिन्ह है। And this sign will be for a virgin to conceive. और ये चिन्ह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। Which is impossible in the scientific realm. और जो तो साइंटिफिक क्षेत्र में पूरी तरह से असंभव है। This, the conception of a virgin is impossible according to the scientific understanding. और साइंटिफिक समझ के अनुसार एक कुंवारी का गर्भवती होना ये तो पूरी तरह से असंभव है, समझ से बाहर है। But God said, लेकिन परमेश्वर ने I will make it happen. मैं इसे करूंगा। I will show you a miracle. मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा। I will show you a sign. और मैं तुम्हें एक चिन्ह दिखाऊंगा। I will make the impossible possible. मैं असंभव को संभव करूंगा। I will make a virgin to conceive and give birth to a son. और मैं ऐसा करूंगा कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो बेटे को जन्म देगी। He never said a child, but a son. उसने कभी ये नहीं कहा कि एक शिशु को जन्म देगी, लेकिन उसने कहा कि एक पुत्र को जन्म देगी। And even foretold the name that would be given to him. और यहाँ तक कि उसे जो नाम दिया जाएगा, उसके बारे में भी पहले से ही बताया है। The name signified or symbolized what that child was going to bring forth to all mankind. और वो जो नाम है इस बात को बताता है, दर्शाता है कि वो जो पुत्र है वो सारी मनुष्य जाति के लिए क्या लेकर आएगा। Through that child, उस पुत्र के द्वारा, it would be that God would come down in the form of a man and be with man. ये तो ऐसा होगा कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में नीचे आएगा और वो मनुष्य के साथ में रहेगा। Because of sin, man had lost the connection with God. पाप के कारण ही मनुष्य परमेश्वर के साथ का संपर्क खो बैठा था। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Romans 6:23 says. रोमियो 6:23 यही तो कहता है। And because of the sin committed by man, he or she has been permanently separated from God. और मनुष्य ने जो पाप किए उसके कारण, यानी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर चला गया। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, I will show a sign. मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा। Which will make God to come to dwell with man forever. और ऐसा होगा कि परमेश्वर आकर मनुष्य के बीच में हमेशा के लिए वास करेगा। With the men and the women of the world. और इस संसार के स्त्री और पुरुषों के साथ वास करेगा। And this sign will be a virgin conceiving. और ये चिन्ह ऐसा होगा जहाँ पर एक कुंवारी गर्भवती होगी। And bringing forth the son. और एक पुत्र को जन्म देगी। And that son will be God in flesh, who would live with man and woman. और वो तो पुत्र ऐसा होगा जहाँ पर परमेश्वर देहधारी होगा और मनुष्य के बीच में रहेगा। Even today, my friends, और आज भी मेरे दोस्तों, God is showing you a sign. परमेश्वर आपको एक चिन्ह दिखाएंगे। A sign for him to come and dwell with you. ये तो ऐसा चिन्ह होगा कि वो आकर आपके साथ में वास करेंगे। You have hope in this world. आपके पास इस संसार में आशा है। And that person is Jesus. और वो व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह हैं। God in flesh. परमेश्वर देहधारी हुए। Who longs to come and live with you. जो चाहते हैं कि हमारे साथ में आकर वास करें। And he says in John 1:12. और यूहन्ना 1:12 में वो कहते हैं। For everyone who believed in him. जो कोई हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। Believed in Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास करता है। And received him into their lives. और उसे अपने जीवन में स्वीकार करता है। He not only comes to dwell with them, but also transforms them as the children of God. और वो केवल उनके अंदर वास ही नहीं करता, लेकिन वो उन्हें परमेश्वर की संतान के रूप में बदल भी देते हैं। It's a sign that God is giving you to be free from being a slave
to sin and the curses of sin and become the child of God. और ये तो ऐसा चिन्ह है जो परमेश्वर आपको देते हैं कि आप पाप से और पाप के श्राप से आजाद होकर परमेश्वर की संतान हो जाएं. God wants to set you free now from your sin. परमेश्वर अभी आपको आपके पापों से आजाद करना चाहते हैं. God wants to set you free from your slavery to the devil and his sinful, lustful acts. परमेश्वर आपको पाप से, शैतान से और उसके पाप में अभिलाषाओं के काम से छुड़ाना चाहते हैं. Today God is showing you the sign. आज परमेश्वर आपको ये चिन्ह दिखाते हैं. Will you accept the sign? क्या आप इस चिन्ह को स्वीकार करेंगे? And receive the Lord Jesus into your heart. और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे? At the right time, this prophecy was fulfilled. और बिल्कुल सही समय पर ये भविष्यवाणी पूरी हो गई. And an angel appeared to Mary, who was a virgin. और एक स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के सामने प्रकट हुआ. In the city of Nazareth in Israel. और ये तो इसराइल के नासरत नगर में था. And he said in Luke chapter 1 and verse 28. और उसने लूका अध्याय 1 वचन 28 में इस तरह से कहा. Greetings. उसने कहा अभिनंदन. You who are highly favored. जिस पर ईश्वर के अनुग्रह हुआ है. The Lord is with you. प्रभु तेरे साथ है. You are that virgin chosen by God, Mary. मरियम तुम ही वो कुमारी हो जिसे परमेश्वर ने चुना है. You are highly favored by God. परमेश्वर ने तुम पर बड़ी कृपा की है. And then he said. और फिर उसने कहा. You have found favor with God. परमेश्वर की जो कृपा है वो तुझ पर हुई है. You will conceive. तू गर्भवती होगी. And give birth to a son. और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. And you are to call him Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना. Jesus means one who saves every human being from their sin. यीशु का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जो हर एक मनुष्य को उनके पापों से बचाता है. He is the savior. वो तो एकमात्र उद्धारक है. Savior to bring the people out of the slavery of sin. और वो तो ऐसा उद्धारक है जो लोगों को पाप की गुलामी में से निकाल देता है. Mary said, "How is it possible?" और मरियम ने पूछा कि ये कैसे संभव है? How can a virgin conceive? कैसे एक कुमारी गर्भवती हो सकती? I am a virgin. मैं तो एक कुमारी हूँ. And the angel said. और उस वक्त स्वर्गदूत ने कहा. In verse 35. वचन 35 में. The Holy Spirit, the Spirit of God, will come upon you. पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा. The power of the most high will overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी. And you will conceive. और तू गर्भवती होगी. And you will bring forth the Holy One. और तुम उस पवित्र को उत्पन्न करोगी. And he will be called the Son of God. और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा. So God's seed will be planted in your womb, Mary, by the Holy Spirit. और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का बीज तुम्हारे गर्भ में बोया जाएगा, रोपा जाएगा मरियम. And that seed in your womb will be transformed by the Holy Spirit into a child. और वो जो बीज है वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र के रूप में बदला जाएगा. A holy child. ये पवित्र पुत्र होगा. Full of the holiness of God. और वो परमेश्वर की पवित्रता से भरपूर होगा. God himself. परमेश्वर स्वयं. It will be the sign. और यही तो उसने कहा कि ये चिन्ह होगा. And that sign was fulfilled in the womb of Mary. और मरियम के गर्भ में ये चिन्ह पूरा हो गया. And she brought forth God in flesh. Into the world. और उसने परमेश्वर को देहधारी रूप में इस संसार में लाया. Today God is calling you. आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं. You may have lived in sin. शायद आप पाप में जी रहे होंगे. But as a virgin, as you hand over your body, your soul, your life, your actions to God Himself. लेकिन एक कुंवारी के नाते जैसे आप अपने जीवन को
अपने पूरी क्रियाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, उसे दे देते हैं। The Holy Spirit of God will come upon you. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा। And according to 1 Corinthians 12:3. और पहला कुरिन्थियों 12:3 के अनुसार, The Spirit of God will make you confess Jesus Christ as Lord. परमेश्वर का आत्मा आपको ये अंगीकार करने लगाएगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। As the Lord of your life. आपके जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करें। Sin and the curse of sin shall never ever be the Lord of your life. और पाप के जो श्राप है वो कभी आपके जीवन के ऊपर में प्रभु नहीं रहेंगे। You will never be a slave and be subject to the curses caused by sin in your life anymore. आप अपने जीवन में कभी गुलामी में नहीं रहेंगे और ना ही आप कभी पाप के श्राप में बने रहेंगे। Come to Jesus. यीशु के पास आइए। Come to Jesus. यीशु के पास आइए। Tell him, Lord Jesus. उससे कहिए, प्रभु यीशु, You are God in flesh. आप तो शरीर में आए परमेश्वर हैं। By the Holy Spirit of God, be born in me, in my heart, in my life. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरे जीवन में, मेरे हृदय में जन्म लीजिए। Now you will become the child of God. तब आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। Shall we commend ourselves into the hands of God? तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, be born in the heart. In the life of your dear son, your dear daughter. आप अपने प्यारे बेटे और अपनी प्यारी बेटी के हृदय में जन्म लीजिए। I bind every unbelief and the power of evil which is keeping them under subjection as a slave. और हर एक अविश्वास जो इन्हें गुलामी में रखता है, पाप की गुलामी में रखता है, मैं इसे बांध देता हूँ। Lord, I release them to your love. प्रभु, मैं इन्हें आजाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए। Let their groaning and their suffering end now. और प्रभु, इनका करहाना और इनका दुख अभी खत्म हो जाए। Let them be transformed by your power. और प्रभु, ये आपकी सामर्थ के द्वारा पूरी तरह से बदल जाए। Let the power of sin and curses leave them in Jesus name. और पाप और श्राप और सारी जो ताकतें, बुरी ताकतें, यीशु के नाम में दूर हो जाएं। Let them be free. और ये आजाद हो जाएं। Free. आजाद हो जाएं। Free. आजाद and be full of Jesus. और यीशु से भर जाएं। Full of Jesus. यीशु से भर जाएं। Let them have God with them from this moment. और इस पल से आगे परमेश्वर इनके साथ हो। थैंक यू फॉर योर लव फॉर देम। आपके प्रेम के लिए इनके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। माय फ्रेंड्स से थैंक यू जीसस। मेरे दोस्तों, कहिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आई लव यू जीसस। मैं आपसे प्रेम करता हूं यीशु। फादर, लेट ऑल द कर्सेस ब्रॉट बाय द डेविल, बाय सिन एंड इट्स कर्सेस, लीव देम इन जीसस नेम। जो सारे पाप, जो सारे श्राप है, जो पाप के द्वारा और पाप के श्रापों के द्वारा और जो इनके पापों के द्वारा आए, यीशु के नाम में दूर हो जाएं। Master, let them be free. हे स्वामी, ये लोग आजाद हो जाएं। Let the joy of the Holy Spirit fill them as God's children. और परमेश्वर की संतान के रूप में आपकी पवित्र आत्मा का आनंद इन्हें इनमें भर जाए। They are special now to you. और ये अभी आपके लिए बहुत ही विशेष हैं। Take care of them, Lord. आप इनकी देखभाल कीजिए प्रभु यीशु। Take care of them, Lord Jesus. प्रभु यीशु, आप इनकी देखभाल कीजिए। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।